भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गंगा गीता च गायत्री गोविंदेति हृदयस्थ यते चतुर्ककार संयुक्ते पुनर्जन्म विद्यते। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये चार गकार वाले शब्द जिसके हृदय में निवास करते हैं उसे मोक्ष मिल जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इंसान को मोक्ष हो या न हो, पर इसका ख्याल किसी को नहीं है कि अगर गंगा ही मिट गई तो इस पूरी मानवता का क्या होगा। गंगा आज अपने उद्गम से ही गंदी हो रही है, सिकुड़ती जा रही है, और कुछ का अनुमान तो ये है कि गंगोत्री का ग्लेशियर हर साल 18 मीटर तक सिकुड़ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि आज गंगा की चर्चा गांव की चौपाल से लेकर संसद तक हो रही है। गंगा के अस्तित्व की रक्षा का सवाल ढूंढना शायद आसान नहीं। इसी सवाल के जवाब की तलाश में हमारी टीम गंगा के उद्गम से लेकर बनारस तक की यात्रा पर निकल पड़ी। आखिर जो नदी पतित पावन कहलाती है, उसके सफाई की जरूरत क्यों आन पड़ी? आध्यात्मिक रूप से जो नदी पाप धोने के लिए जानी जाती है, उसका पानी पीने लायक तो क्या, कहीं कहीं तो आचमन के लायक भी नहीं रह गया। ऐसा क्यों हुआ? आखिर एक दशक से इसकी सफाई को लेकर जो अभियान चल रहा है, वो आखिर फेल क्यों हो रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हमने की है कार्यक्रम गंगा के गुनहगार में। हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समंदर से मिलने तक की यात्रा के दौरान गंगा के अनेकों रंग दिखाई देते हैं। इस यात्रा में गंगा करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, कभी खेतों को सींचती है तो कभी हम सबके पाप धोती है और स्वयं प्रदूषित होती है, कभी मैदानों की उर्वरता बढ़ाती है तो कभी मिट्टी काटकर बहाती हुई समंदर में मिल जाती है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, आस्था है। ये एक शब्द भर नहीं, सिर्फ नदी या जलधारा नहीं, सिंचाई का साधन नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्कृति है। संस्कृति की यही पहचान है कि वह चिरकालिक हो। देशों के नाम मिट जाते हैं, सीमाएं बदल जाती हैं, पर संस्कृति इन सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। भारतीय धर्म और संस्कृति में गंगा का एक विशेष स्थान है। गंगा जमुनी संस्कृति में ऐसी सभ्यता का उद्भव व विकास हुआ जिसका प्राचीन इतिहास काफी गौरवमयी और वैभवशाली रहा है। हड़प्पा के बाद गंगा जमुना दोआब में शहरी सभ्यता के विकास के चिन्ह मिलते हैं। इसी के किनारों पर रामायण और महाभारत युगीन समाज का उद्भव और विकास हुआ।
प्राचीन भारत का स्वर्णयुग माना जाने वाला मौर्य और गुप्त वंश का मगध साम्राज्य गंगा के किनारे ही पला बढ़ा। इन्हीं किनारों पर विश्व में गणराज्यों की पहली व्यवस्था ने काम करना शुरू किया। इतिहास में पांव के निशान देखते हैं तो एक मध्यम सी आवाज गूंजती है। राजा भगीरथ अपने पितरों के कल्याण के लिए गंगा को हिमालय की वादियों से धरती पर लाए। गंगा जब स्वर्ग से उतर रही थी तो कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे कि गंगा के प्रचंड आवेग को रोका जा सके। मान्यता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकलती है, लेकिन धरती पर यह हिमालय की गोद में मिलती है और यहीं से एक कपाट खुलता है जिससे गंगा के वजूद का पता चलता है। हमें 3000 मीटर से 3900 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंचना था, यानी हर किलोमीटर पर 50 मीटर की चढ़ाई, करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर भोजवासा और वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर गोमुख, चारों ओर श्वेत वस्त्र जैसे लिपटे हुए पहाड़, यही है भागीरथी का उद्गम। गोमुख से छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकल रही धारा चिरवासा और भोजवासा होते हुए गंगोत्री पहुंचती है। गंगा की बदहाली का अध्याय भी यहीं से शुरू होता है। गंगोत्री के आसपास के होटलों से निकलने वाली सारी गंदगी ज्यों की त्यों भागीरथी में गिरा दी जाती है। नदी के दोनों किनारों से गंदगी कोई चोरी छिपे नदी में नहीं गिराई जाती। यहां कचरा शोधन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात का प्रबंध नहीं है कि होटलों की गंदगी एक जगह इकट्ठा कर उसका निस्तारण किया जाए। पूजा पाठ करने वाले भी गंदगी फैलाने में पीछे नहीं हैं। हमने स्थानीय साधु व विशेषज्ञों से इस बारे में बात की। सबके अपने अपने विचार और अपनी अपनी राय है। गंगोत्री से भागीरथी हर्षिल और गगनानी के पथरीले रास्ते से होते हुए उत्तर काशी पहुंचती है और यहीं से शुरू होता है गगनानी के पास भागीरथी पर बन रही छोटी छोटी पन बिजली परियोजनाओं का सिलसिला। यहां भागीरथी में इतना कम पानी बचता है कि ये नाले में तब्दील हो जाती है। कुछ किलोमीटर के बाद सुरंग से निकलती है पानी की तगड़ी बौछार। भागीरथी फिर पहाड़ों के बीच इठलाती हुई कुलांचे मारने लगती है। लोहारी नागपाला में एक बड़ी परियोजना का काम रुका पड़ा है। करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वर्ष 2008 में इस पर काम बंद कर दिया गया। यहां से हम उत्तर काशी पहुंचे। उत्तर काशी शहर के सभी नाले भागीरथी में गिरते हैं। गंदा पानी, प्लास्टिक और हर तरह का कचरा बेरोक टोक सीधे नदी में गिरा दिया जाता है। इसी रास्ते में जहां तहां भागीरथी में खुदाई चल रही थी, बगैर अनुमति के अंधाधुंध बालू निकासी का काम किया जा रहा है। बालू का अवैध व्यापार बड़े फायदे का धंधा बन गया है। ऐसा नहीं है कि यहां के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। उत्तर काशी से लेकर टिहरी तक जगह जगह लोग बालू की खुदाई करते नजर आते हैं। बाहुबल और प्रशासनिक गठजोड़ का इससे बेहतर नमूना शायद ही कहीं मिले आपको। इसके बाद हमारा पड़ाव बना टिहरी। विकास के लिए बांध जरूरी तो है,
लेकिन इसके लिए जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है उसका सबूत भी दिखा। जब विकास की बात आती है तो विकास का क्या डेफिनेशन है? मतलब हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, लेकिन यदि आप कोई भारतीय से पूछेंगे डेवलपमेंट का क्या मतलब, प्रोग्रेस का क्या मतलब, डेवलपमेंट कैसे दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनकी डेफिनेशन मुझे लगता थोड़ा सा गलत है। उनकी डेफिनेशन है फैक्ट्री लगा दो, चीजों को प्रोड्यूस कर दो, लेकिन डेवलपमेंट की डेफिनेशन ऐसे नहीं कि फैक्ट्री लगा दो। हिमालय में जाके पेड़ों को कट कर दो ताकि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ते जाएगा, फैक्ट्री लगा दो, उसी फैक्ट्री के पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को और वर्स करेगा, फिर वो फैक्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर हमें हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है। देखिए, हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया फैक्ट्री लगाने में, और उसी प्रॉब्लम को सस्टेन करने के लिए एक दूसरी प्रॉब्लम हमें खड़े करना पड़ेगा, डैम्स। पानी के नीचे गुम गए गांव, जहां कभी हजारों घर आंगन गुलजार थे, जिंदगी थी, सपने थे, उम्मीद थी, इंतजार था। ये सोचकर मन भारी हो जाता है कि जिस बिजली का इस्तेमाल हम करते हैं, जो हजारों लोगों की उनकी जमीन से उजाड़ कर मिल रही है, टिहरी बांध ने तो मानो भागीरथी का गला ही घोंट दिया हो। विशेषज्ञों की राय में भागीरथी का जो हाल आज है उसके लिए टिहरी ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि टिहरी डैम यांत्रिकी तौर पर ही गलत है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हिमालय की संरचना ऐसी नहीं है कि यहां बड़े बांध बनाए जाएं। इस बांध की योजना का पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन इन तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए भागीरथी पर टिहरी नाम का एक दैत्य बना दिया गया। टिहरी की रिजर्वायर की लंबाई 44 किलोमीटर, और वहीं पर चाइना में जो डैम बना टीजीपी डैम, उसके रिजर्वायर की लंबाई 660 किलोमीटर, हाइट कम है, रिजर्वायर का लेंथ है 660 किलोमीटर। यही शो करता है कि हमारा टेक्नोलॉजी गलत है। टीजीपी जो आप टिहरी डैम बनाए हैं, हाई स्लोप, और चाइना की यदि तुलना करें टीजीपी डैम का तो 18 गुना ज्यादा स्लोप आपकी है टेढ़ी का है। ये शो करता है कि आपका जो मेथोडोलॉजी है वो इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, आपने हाइपोथेटिकल वे में डैम का साइट सेलेक्ट किया बनाया। तब ये सवाल मन में उठा कि क्या हम अपनी बिजली की जरूरतों को छोटे छोटे बांधों के जरिए क्या पूरा नहीं कर सकते? क्या बिजली की चाह में एक ऐसी नदी जो करोड़ों की जीवन धारा है उसको ही समाप्त कर दिया जाए? हम इस बात से सहमत हैं कि बांध हमारी जरूरत तो है, लेकिन क्या हमारी जरूरतें छोटे छोटे बांध नहीं पूरी कर सकते? क्या ऐसा संभव नहीं कि विकास और वैभवशाली अतीत साथ साथ सफर करें? मैंने माइक्रो डैम सिस्टम का डिजाइन करके उनको दिया, प्रेजेंट किया, और मैं कहा कि यदि गंगा की भागीरथी, वीरांगना और सब छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत ज्यादा नदियां हैं, उनको यदि माइक्रो डैम सिस्टम लगाया जाए, तो मैं कैलकुलेट करके दिया था, प्रेजेंट किया था कि 18,000 मेगावाट केवल भागीरथी से आप जनरेट कर सकते हैं विदाउट डिटोरिएटिंग द वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी को बिना खराब किए हुए, बिना लैंडस्लाइड को इन्हांस किए हुए, भूस्खलन उस क्षेत्र में इतना जबरदस्त हो गया है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का जो भयावह प्रॉब्लम हो गया है। ऐसा समाधान निकालना चाहिए, और वो है भी मुमकिन कि हम ये एक तो बहुत बड़े डैम ना बनाए, छोटे डैम बनाए,
जैसे चाइना के अंदर क्या किया है उन्होंने, जहाँ पे एक नदी के अंदर थोड़ा सा फॉल अवेलेबल होता है वहीं पे उन्होंने क्रिएट करके पावर जनरेट कर लेते हैं, अपने टर्बाइंस वगैरह ला देते हैं। तो हमको भी इस तरह कुछ करना चाहिए कि छोटे छोटे डैम बना के और बहुत सारे बनाएं, तो उससे जो है क्या होगा कि गंगा डूब भी नहीं होगी, हमें पावर भी जनरेट हो जाएगी और जगह जगह जो एक जो पावर मिल जाएगी तो उससे जो पावर का लॉस होता है वो भी बहुत कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बड़े डैम बनाते हैं तो गंगा का पानी जब डाइवर्ट करते हैं तो वो ऐसे रास्ते से जाती है जहाँ पे जमीन बहुत प्यासी होती है, तो जो पानी गंगा का उस रास्ते से जब नए रास्ते से जाता है तो सारा जमीन के अंदर चला जाता है और गंगा जो है लुप्त हो जाती है। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ये इससे अवॉइड हो जाएगी और हमको इस तरह ही करना चाहिए जिससे ये दोनों चीजें हमारे डैम्स भी बनते रहे, पावर भी जनरेट होता रहे और गंगा लुप्त भी ना हो। टिहरी के बाद हमारा अगला पड़ाव बना देवप्रयाग। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा 1500 फीट की ऊंचाई पर मिलती है। यहाँ पर अलकनंदा अपनी सहायक नदियों धौली, विष्णु गंगा और मंदाकिनी के साथ भागीरथी में जा मिलती है। यहीं से सभी धाराएं गंगा के नाम से आगे की ओर बढ़ती हैं। हिमालय की सकरी और गहरी घाटियों में 250 किलोमीटर तक की दूरी पूरी करने के बाद ऋषिकेश की निचली पहाड़ियों में बहने लगती है गंगा। भीड़ भाड़ और शहरी सभ्यता की गंदगी से सामना यहीं से शुरू होता है। इससे पहले भी जगह जगह तीर्थ स्थलों के नाम पर छोटे मोटे शहर अपना कचरा गंगा में गिराकर इसे प्रदूषित करते हैं। ऋषिकेश में सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर हैं। रोजाना पूजा पाठ और आरती के लिए हजारों हजार तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। विशेष मौकों पर ये संख्या लाखों में होती है। गंगा की जलधारा में भक्ति के कई रंग हमें देखने को मिले। शाम के समय परमार्थ निकेतन के इस घाट पर गंगा आरती हुई। सूरज की किरणें फूटते ही हमें दिखी आस्था की असलियत, नदी में मिलता शहर का कूड़ा। अपनी जरूरत के मुताबिक कभी गंगा मोक्षदायिनी बन जाती है तो कभी जरूरत के हिसाब से हम इसे सिर्फ बहता पानी मान लेते हैं। गंगा की अपार जल राशि पर हमसे पहले अंग्रेजों की नजर पड़ी थी। सिंचाई में इसके इस्तेमाल के लिए बैराज बनाने की योजना भी बनी, लेकिन उस योजना को मूर्त रूप हमने दिया और गंगा के पानी को दो धाराओं में बांट दिया। यहां से जो नहरें निकाली गईं, उसमें सबसे प्रमुख है गंग नहर। ये नहर एक बड़े इलाके में लोगों के लिए सिंचाई का साधन बन गई। नहर बनकर अपने रास्ते से अलग जाकर गंगा लोगों की जीविका का साधन बनी। पानी तो जीवन है लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए। पानी का इस्तेमाल तो सबकी जरूरत है, लेकिन इस पानी के रखरखाव की जरूरत को हम कब पहचानेंगे? सदियों से जीवन देती इसी गंगा में हम कितना कचरा बहाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक गंगा में रोजाना 2 अरब 40 करोड़ लीटर मल जल सीधे बहा दिया जाता है। एक मील धारा आपने छोड़ा है, छोटा सा धारा 300 से 400 क्यूबिक फीट आप छोड़े हुए हैं और पूरा का पूरा पानी 10,600 क्यूबिक फीट से ज्यादा पानी आप एक जगह से कंटिन्यूअसली लगातार निकाल रहे हैं। किस इंजीनियरिंग के कारण, कौन इंजीनियरिंग आपको कह रहा है कि इतना पानी आप एक जगह से कंटिन्यूअसली निकालो? कोई टेक्नोलॉजी है? विश्व के किसी भी रिवर सिस्टम का इतना जबरदस्त दोहन नहीं हो रहा है। जब पूरा का पूरा पानी आप निकाल रहे हैं
इसका इंपैक्ट आप नहीं समझ रहे हैं। इसका इंपैक्ट सबसे जबरदस्त इंपैक्ट क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। गंगा में चाहे कितना पानी बहता हो, इतने कचरे से उसका पानी क्या पानी रह जाएगा? माना जाता है कि अहर की पौड़ी घाट पर कभी अमृत गिरा था, लेकिन आज वास्तविकता यह है कि इस अमृत स्थल पर लाखों टन हम कचरा गिरा रहे हैं। देहरादून की लोक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हरिद्वार के सिर्फ दो बड़े नाले ललताराव पुल और ज्वालापुर मिलाकर 140 लाख लीटर से भी अधिक मलजल सीधे गंगा में छोड़ते हैं। सीधे गंगा में छोड़ा जा रहा अवशिष्ट जल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संशोधित अवशिष्ट जल के मानकों से 6 गुना अधिक प्रदूषण करता है। तब क्या सवाल नहीं उठना चाहिए कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है और निगरानी करने वाली संस्थाएं क्या कर रही हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि नियमों को ताक पर रखकर गंगा को प्रदूषित करने का काम जारी है? या फिर यह समझ लें कि उनकी जानकारी में तमाम चीजें हैं लेकिन वो कुछ करने की मंशा नहीं रखते। सबसे जो टेहरी डैम से भी जो कैंसर रोग, जबरदस्त कैंसर रोग गंगा को कहा जाए, वो भीम गोड़ा बैरेज है। और भीम गोड़ा बैरेज के बाद नरोड़ा बैरेज, जब 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आप 100% पानी निकाल रहे हो कैनाल में, कितना बड़ा अन्याय। इतना ही दूरी में पूरा का पूरा पानी आप गंगा जल, मौलिक जल, ओरिजिनल वाटर आप निकालते चले जा रहे हैं। क्यों नहीं इस पर ध्यान सरकार दे रही है? चिल्ला कर मैं बार बार रिक्वेस्ट किया, मिनिस्ट्री में जा करके रिक्वेस्ट किया, आपका ये टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, किस विज्ञान, कौन विज्ञान आपको कह रहा है इतना पानी आप निकालो? हरिद्वार से मैदानी यात्रा करते हुए गंगा गढ़मुक्तेश्वर, फरुखाबाद, कन्नौज और बिठूर होते हुए कानपुर पहुंचती है। कानपुर से गंगा ऐसे गुजरती है जैसे अग्नि परीक्षा से गुजर रही हो। यहाँ गंगा को दयनीय हाल में देखकर ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ये देश की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और पूजनीय है। कानपुर में गंगा गंगा न रहकर एक नाले में तब्दील हो गई है। उन्नाव के पास तो पता ही नहीं चलता कि ये गंगा वही गंगा है जो मोक्षदायिनी कहलाती है। यहां भी सिंचाई के लिए कई नहरें निकाली गई हैं, जिससे नदी का पानी काफी कम हुआ है। लेकिन यहां गंगा का हाल बेहाल करने वाला सबसे बड़ा कारण है कानपुर का चमड़ा उद्योग। इसलिए नहीं कि यहाँ का चमड़ा उद्योग दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि इसलिए भी कि ये औद्योगिक इकाई अपनी जरूरतों के लिए गंगा पर निर्भर है। सारी गंदगी और औद्योगिक कचरा भी गंगा में सीधे गिरा दिया जाता है। पानी लेने के बाद बिजली घर, कपड़ा और चमड़ा मिलों का औद्योगिक कचरा सीधे गंगा में छोड़ दिया जाता है। चमड़ा मिलें भारी धात्विक तत्वों यानी क्रोमियम युक्त पानी गंगा में सीधे गिराती हैं। इसीलिए यहां गंगा जल में सिर्फ मल जल ही नहीं बल्कि क्रोमियम जैसे भारी धातु के अंश की भी भारी मात्रा है। पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रोमियम इस्तेमाल करने वाली मिलों को बंद करने का आदेश भी दिया था। कानपुर में करीब 400 लिस्टेड चमड़ा उद्योग से जुड़ी इकाइयां हैं। यहां की सभी फैक्ट्रियां गंगा के पानी पर आश्रित हैं। इनमें से करीब 100 मिलें ऐसी हैं जो क्रोमियम युक्त रासायनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं। इस दुर्दशा के बाद दूषित गंगा की धारा आगे बढ़ती है।
गंगा की क्षमता जो गंगी को हजम करने की है वो कितनी है, और फिर कितना पानी गिर रहा है, गंगा में कितना फ्लो है, इन सब चीज़ों से हम एक हमारे टर्म यूज़ करते हैं मास बैलेंसिंग। मास बैलेंसिंग हम निकालते हैं कि वहाँ पे वो इंडस्ट्री वाले को कितना गंदगी अलाउ करेंगे, उसमें कितना फ्लो होगा और कितना उसमें BOD की मात्रा होगी जो हम अलाउ करेंगे। इस अलाउंस को हम कहते हैं एफ्लुएंट स्टैंडर्ड। तो ये जो एफ्लुएंट स्टैंडर्ड है, इस तरह साइंटिफिक तरीके से निकालना चाहिए, पर ये हम नहीं करते। हम क्या करते हैं कि बिल्कुल आर्बिट्रेरीली, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं शेख चिल्ली की तरह, हम उसको फिक्स कर देते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे आप 30 BOD का पानी, गंदा पानी डाल सकते हैं। अब हमने देखा ही नहीं, 30 BOD का पानी वहाँ पे डाला और जब तक वो घाट के पास आके पहुँचा उसकी BOD जो है 15 के आसपास ही रहती है, 3 या 4 पहुँच ही नहीं पाती। अगर हमने ये देखा तो फिर फायदा क्या हुआ एफ्लुएंट स्टैंडर्ड बनाने का? जितने फैक्ट्रियां लोग करते हैं, कानपुर की फैक्ट्रियां, बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रियां, क्यों 100% अब साथ आप नदी में गिरा रहे हो? तो जो मेथोडोलॉजी आपका है डिफरेंट ऑफ फील्ड में, चाहे वो डैम सिस्टम में हो, चाहे वैरेज सिस्टम में हो, चाहे एक्सट्रैक्शन हो जो पानी निकाल रहे, या इनफ्लो सिस्टम हो, ऑल आर रॉन्ग साइंटिफिकली। रिवर टेक्नोलॉजी से आपका बिल्कुल ही मेथड गलत है। और दूसरी बात है, मेथड गलत है लेकिन 30 साल से चिल्ला रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं है, एक पत्र का जवाब देने वाला कोई नहीं है। यदि हम अपनी डिजायर्स जो है थोड़ा सा कम कर दें, लेदर सीट्स लगाने के बजाय क्लॉथ सीट्स लगा दें, लेदर शूज पहनने के बजाय नॉन लेदर पहनेंगे, तो फिर नेचुरली अपनी आप टैनरीज की जो पोल्यूशन है वो कम होते जाएगा, क्योंकि लेदर की डिमांड कम हो जाएगा। जितनी डिमांड कम हो जाएगा इतनी सप्लाई कम हो जाएगा, जितनी सप्लाई कम हो जाएगा इतनी पोल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन लोग दे वांट इट बोथ वेज। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव बना इलाहाबाद, या कहें तीर्थराज प्रयाग। यहां गंगा नदी में यमुना आकर मिलती है। कुंभ के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहां स्नान के लिए आते हैं, पर लाखों की धार्मिक आस्था भी गंगा को स्वच्छ नहीं रख सकी। इतनी धार्मिक महत्ता के बाद भी यहां गंगा सिमटी सी प्रतीत होती है। कानपुर होकर गंगा नदी उत्तराखंड से आई और सरस्वती अदृश्य कुंड एक किले में है, रूप नहीं दिखता है, तो मिलकी सीधा यहाँ से काशी बनारस पटना फिर गंगा सागर। ठीक, ये किला जो देख रहे हैं, सम्राट अशोक ने नींव डाला, अकबर ने इसको बनवाया, अकबर ही इस पर राज करके गया। अब इसमें गन फैक्ट्री है, लड़ाई का सामान बनता है। और उधर में एक किला है गंगा उस पार, झूसी गांव बोलते, उस किले का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशिर भाजी टकेशिर भाजी, वो राजा पूर्वा किला है, उसमें साधु महात्मा गंगा पुजारी लोग। कुंभ मेला ग्राउंड चारों तरफ 7 किलोमीटर यहाँ पर मेला लगता है, 6 साल के अर्ध कुंभ, 12 साल के कुंभ, वैसे हर जनवरी मकर संक्रांति का मेला यहाँ लगता है। ठीक, बटवृक्ष का पेड़ एक यहाँ है, गया जी भगवान राम जानकी ने यहाँ राजा दशरथ का भी विश्राम किया, वो यहाँ पे श्राद्ध वहाँ किया, विसर्जित किया। अब भी जिस रास्ते से वो चित्रकूट गए हैं वो कुएँ का पानी दूध जैसा है। और अभी आप लोग संगम त्रिवेणी में चल रहे हैं और यहाँ इनका बाल रूप, बच्चे वाला रूप, जैसे छोटा बच्चा गोदी में खेलता है वैसे खेलती रहती है, एक जगह नहीं, रोजाना आगे पीछे होती है। गंगा का पानी सफेद है और यमुना का पानी हरा है। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव बना काशी। काशी विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की गंगा आरती विश्व विख्यात है। Thank you.
गंगा काशी नगरी में वक्र लेती है, जिससे यहां उत्तर वाहिनी कहलाती है। ये तो बात रही काशी के वैभव की, लेकिन गंगा यहां भी उदास है। शहर का पूरा कचरा गंगा नदी में अर्पित कर दिया जाता है। पूजा पाठ के अलावा हिंदुओं के लिए काशी में गंगा के किनारे अंतिम संस्कार के बाद अवशेष को गंगा में बहा दिया जाता है। कई बार तो अधजले शव गंगा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा शहर के नाले गंगा में ही गिरते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि सुबह 4-5 बजे दशाश्वमेध घाट जाने पर गंगा की गंदगी की पूरी तस्वीर दिख जाएगी। अगले दिन सुबह में हमें ये देखा कि दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र घाट के ठीक ऊपर से वाराणसी नगर निगम का सीवर पाइपलाइन और ठीक 4:30 बजे बहुत जोरों की आवाज हमने सुनी, मानो कि बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा हो। लेकिन मैं गलत था। ये बाढ़ का पानी नहीं बल्कि बनारस नगरी का गंदा पानी था जो गंगा में गिराया जा रहा था। घाट की तरफ लोग नावों में गंदगी लेकर गंगा के उस पार डाल रहे थे। आपके दिमाग में एक ही चीज है, एसटीपी। अरे एसटीपी है क्या, ये तो समझो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या करता है? केवल ऑर्गेनिक लोड को, कार्बनिक पदार्थ को मैनेज करता है। किसके बल पर? आपने इनऑर्गेनिक की मात्रा और बायोलॉजिकल जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा को बढ़ा करके केवल ऑर्गेनिक लोड मैनेज करते हो। कहाँ डालते हो? गंगा के किनारे ही आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। क्यों गंगा के किनारे ट्रीटमेंट प्लांट लगा? ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से पूरे देश में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा वो गंगा के किनारे लगा। क्यों लगा? किस टेक्नोलॉजी से लगा गंगा के किनारे ट्रीटमेंट प्लांट? इसलिए लगा कि आप जिसको ट्रीट नहीं कर पाओगे डिस्पोज ऑफ कर दोगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, अधिकारी आते हैं जाते हैं, योजनाएं बनती हैं, मीटिंग होती है, नहीं कोई धरना दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो समस्या का निदान है वो तो कोई कर नहीं रहा है। अब सीवेज प्रणाली है, सीवेज प्रणाली में अब 160 शहर में सीवेज है ही सिर्फ एसटीपी, तो आप सिर्फ उसको गारेंगे उखारेंगे उससे गंगा साफ तो हो नहीं जाएगी। गंगा साफ तभी होगी जो पानी आप छोड़ रहे हैं उसमें उसको साफ करके भेजिए। एक तरफ तो हम श्रद्धा में डूबे गंगा जी में गोते लगाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम अपनी गंदगी के साथ साथ पूरे शहर का कचरा इसमें डाल रहे हैं। एक तरफ तो हम इसे मां कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मां के दामन को दागदार करने से नहीं चूकते। आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? गंगा को बचाने के लिए समय समय पर साधु संतों ने आंदोलन भी किए, कईयों ने उपवास भी रखा। इस छायांकन के दौरान हम उन लोगों से मिले जो इस आंदोलन के कारण कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिन्हें प्रशासन ने स्वास्थ्य का हवाला देकर अस्पताल पहुंचा दिया है। And action, not आंदोलन। ऐसे नहीं कि हम आंदोलन पे बैठ के दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते, हम एक्शन पे लग जाए। हम क्या कर सकते हैं?
हमारे जो दो हाथ हैं, वो दो हाथ से क्या कर सकते हैं हम लोग गंगा जी के लिए? ऐसे नहीं कि दो हाथ से केवल वो स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे या आंदोलन पे बैठे रहेंगे या जो लूस की साइन पकड़ लो। मेरे जो दो हाथ है, गंगा जी का कौन सी सेवा मैं कर सकती हूँ, वो मेरा जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज ये भी है कि सभी लोगों को इकट्ठे आना चाहिए। आजकल काफी अलग अलग ग्रुप्स आ रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं। यदि सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ के साथ ही साथ आ जाएंगे गंगा जी के लिए, तो फिर मेरा पूरा विश्वास है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा आखिरी पड़ाव बना गहमर गांव। गंगा के किनारे बसा विश्व का सबसे बड़ा गांव। इस गांव में शंकराचार्य और जल पुरुष राजेंद्र सिंह भी आए थे। मौका था गंगा दशहरा का, लेकिन इन लोगों का मकसद था गंगा को लेकर आम आदमी को जागरूक करना। इन लोगों ने अपने अपने तरीके से गंगा की महत्ता और गंगा को लेकर चल रहे संकट की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस 15 दिन की यात्रा के दौरान हमने जो कुछ देखा आपसे साझा किया। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि गंगा की समस्या क्या है, आखिर गंगा के लुप्त होने की बात क्यों कही जा रही है, आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है, सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बनी हुई है। फर्स्ट फेज गंगा एक्शन प्लान में आपने 2,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया, ज्यादा खर्चा किया। परिणाम आपका क्या है? निगेटिव परिणाम है। थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट नहीं होकर के डिटोरिएट किया गंगा की हालत। इसका कारण क्या है? हम यह नहीं जान पाए हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट का लोकेशन क्या हो, जो उससे अवसाद निकलता है, उस अवसाद का डिस्पोजल साइट क्या हो, आउटफॉल साइट क्या हो, नथिंग इज नोन। आप करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। गंगा सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, दर्जनों प्रकार की मछलियों, पक्षियों, घड़ियालों और डॉल्फिन का भी घर है। पानी के दूषित होने का असर हमसे ज्यादा इन अमूक जीव जंतुओं पर पड़ता है। एक जिंदा और सजग समाज अपने पर्यावरण को मरने नहीं देता, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है, क्योंकि इसी संतुलन पर टिकता है समाज का अस्तित्व। डिफेंसिव टाइप की है, उसमें ये सारी चीजें आ गई कि जैसे हमने कोई एग्रीकल्चर वेस्ट निकला तो वहां पे हमने पूरा तरह इस तरह किया कि उनमें जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं वो सही मात्रा में डाले जाएं, तो उनको हम शिक्षित करें, उन पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें कि जितना जरूरत हो उतना ही डालें। दूसरा जो है, हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से कितनी गंदगी आ रही है, इसका पूरा ब्यौरा बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रख पाएंगे, कैसे उस ट्रीटमेंट को करेंगे, किस टेक्नोलॉजी से करेंगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसमें एक छोटी सी बात है, इसमें दोनों ही तरीके हो सकते हैं। आप उसको ट्रीट भी करें ना भी करें, लेकिन आप उसको ऐसी जगह ना डालें कि जहाँ पे हमें पानी की जरूरत है और वहाँ पे वो गंदा हो जाए। सेप्टिक टैंक इन एवरी हाउस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सेप्टिक टैंक गवर्नमेंट नियम लगा दे, अरे तो दो तीन चीज मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट नियम लगा दे, गंगा की समस्या का निदान होगा। पहला चीज जो इन्फ्रो सिस्टम कैसे ठीक होगा, एवरी हाउस मस्ट हैव सेप्टिक टैंक, नंबर वन। नंबर टू, मैन होल्स मस्ट बी मॉनिटर्ड। एक बूंद भी आप, एक कूड़ा कचरा भी आप मैन होल में नहीं गिरा सकते। यहां सहारे के सारे मैन होल खुले हुए हैं, जिसको जो मन हो वो डाल दो। गंगा ने भारत को आकार लेते देखा है। वो भारतीय संस्कृति की हड़प्पा में शुरुआत से लेकर चीन जापान तक फैलते संदेश की गवाह है। गंगा ने भारत की गुलामी देखी है,
बाबू वीर कुंवर सिंह का अर्पण किया हाथ देखा है, नया भारत भी बनते देखा, राष्ट्रीय नदी कहलाई और अब गंगा एक्शन प्लान का हाल भी देख रही है। गंगा अब भविष्य में क्या देखेगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि भविष्य देखने के लिए क्या उसका अस्तित्व बचेगा? इसका जवाब ढूंढना जरूरी है, क्योंकि इसी जवाब से जुड़ा है हमारा और इस देश का अस्तित्व। बुजुर्गता खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि गंगा सबको प्रिय है। अरे गुण ही तो एनर्जी होता है, आप यदि गुणवान होंगे सारे लोग आपको बचाना चाहेंगे। तो गंगा, गंगा की प्रसिद्धि क्यों है? उसके गुण के कारण, उसके एनर्जी रेडिएशन के कारण, जो आपको दिखाई देता है गंगा का जलगुण, मेडिसिनल वाटर। विश्व में किसी नदी का, विश्व में किसी नदी का मेडिसिनल वाटर है? इतना ज्यादा मेडिसिनल वाटर प्रसिद्ध है अनादिकाल से। कारगर कदम उठाने पड़ेंगे, एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा और तब जाके ये काम पूरा हो सकता है। जो तकनीक हमने निकाली है वो तो एक ही है, लेकिन और भी तरीके से उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, क्योंकि अभी रिसर्च नहीं उस पर हो रहा है। सिर्फ इतना ही हो रहा है कि बस नए पाइप को गाड़ दिया, पुराने को खाड़ दिया, नए को गाड़ दिया, ये रिसर्च हो रहा है। तो यदि ये हो कि साहब रिसर्च हो उस पर और फिर उसको यदि किया जाए तो हो सकता है, और फिर जो लोग लगे उसमें उनको पुरस्कार भी दीजिए आप, जो इंजीनियर जो लोग काम करता हो और जो ऐसा करके दिखाए आपको उसको पुरस्कार दीजिए, और नहीं करता है तो दंडित भी करिए। गंगा की इसी हालत को देखते हुए शशांक मिश्र की ये कविता अनायास ही जुमा पे आ जाती है। गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, वो जूझ रही है खुद से और बदहवास है। बांधों के जाल में कहीं नहरों के जाल में, सिर पीट पीट रो रही शहरों के जाल में। गंगा जल ही है पर जल ही नहीं गंगा के पास। गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, वो जूझ रही है खुद से और बदहवास है। असहाय है, मजबूर है, लाचार है गंगा, अब हैसियत से अपने बहुत दूर है गंगा। न वो रंग रूप है न वो मिठास है, गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, वो जूझ रही है खुद से और बदहवास है। गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, वो जूझ रही है खुद से और बदहवास है। Thank you.